और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको धन्यवाद कह सकते। सो एज ऑलवेज दिस इवनिंग हियर इज टू थैंक यू ऑल, ऑल योर फैमिलीज, ऑल द चिल्ड्रन इन योर फैमिलीज, योर पेरेंट्स, ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन मुंबई पुलिस, जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो दिन रात जागकर हमारी सेवा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, एंड जितने भी यहां पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रही हैं, आप लोगों के परफॉर्म कर रहे हैं, जो छोटा मोटा हो सकता है हमसे बल पड़ता है, हम करते हैं। दैट्स द ओनली वे वी कैन से थैंक यू टू यू एंड ऑन दिस ईव व्हेन न्यू ईयर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, नया साल आने को है, क्रिसमस आने को है, तो नए दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी फैमिली को मेरी तरफ से दुआ है कि सब खुशहाल रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, आबाद रहें, और मेरा आप सबको ढेर ढेर प्यार और ढेर ढेर धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू भारती। सॉरी मैं बोलना भूल गया, थैंक यू भटनंदर साहब फॉर बीइंग हियर। मुझे उन्होंने बताया पीछे आप अभी आए नहीं हैं, तो मैं खुद मैंने आपको देखा नहीं, मैं जाना चाह रहा था, मेरी फैमिली का डिनर, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं भटनंदर साहब नहीं आए, पुलिस पकड़ के रखेगी मुंबई की, तुम्हें जाना नहीं है, तो मुझे यहाँ पर रखा गया। बट थैंक यू सो मच सर फॉर लुकिंग आफ्टर अस, लुकिंग आफ्टर एवरीबडी हियर इन मुंबई एंड टू एवरीवन प्रेजेंट राइट अप टू द एंड। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड ईयर। मैडम स्टेज पे आता हूँ, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल करता मैं डांस ही करता रहूं, थक जाता हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल करता है कुछ आप लोगों के लिए कर दूं। ठीक है, जाने से पहले डायलॉग और कर देता हूँ, कौन सी फिल्म का करूं मैं, हाँ पूरा याद नहीं होगा लेकिन थोड़ी बहुत आवाज निकाल दूंगा मैं। मैं कौन हूं, कौन नहीं, मां को किया वादा हूं, अधूरा है कोई इरादा हो, मैं सही हूं गलत हूं पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी और ये वाला मुझे पहले कहना चाहिए था, जब शुरू किया मैंने पठान से कहा कि पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी जरूर। सो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर नवाज साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और सर ये आपका पिया हुआ पानी दोस्तों मेरे पास है, 70,000 रुपए में शाहरुख खान का झूठा पानी मैं बेचूंगी बैक स्टेज, जिसको भी लेना हो अभी ऑर्डर कर सकते हैं, अभी आप लेंगे तो 60,000 का, लेकिन अगर मैं घर पहुंच गई तो 75,000। आइए सर और भी चीजें छुट्टी करवा के सर बेचेंगे मुझे। भारत के सबसे बड़े रॉकस्टार जो रियली मैड कैप परफॉर्मर है पर अब वो कैप नहीं पहनते, जिन्होंने टेलीविजन को दिया सबसे आइकॉनिक डायलॉग, मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, पर वो खुद अब रोटी नहीं खाते, सिर्फ रोटी की फोटोकॉपी बनाते हैं और उसे घर में रखते हैं, उन्होंने कमाल की फिजिक बना ली है। वो कंपोजर है, सिंगर है, एक्टर